हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि मास को या वैल्यूम को या नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर मास को वैल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मास, वैल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल को हमेशा पहले मोल में लेके आएंगे, फिर किसी अदर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वैल्यूम को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम मोल में ले जाएंगे, फिर उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल को वैल्यूम में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको मोल में ले जाएंगे, मोल से वैल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मास को देखते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो ध्यान रहे जो मास होगा इन ग्राम में होगा। अगर किलोग्राम में है तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मास अगर ग्राम में है तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, यानी कि मास को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिकुलर वेट से, यानी कि अगर हम मोल को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। अब आते हैं वैल्यूम पे। तो वैल्यूम को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान देंगे तो वैल्यूम जो है हमेशा एसटीपी पे रहेगा। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें टेम्परेचर होता है 0 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। जब इसमें दिया होगा तभी हम वैल्यूम को मास में मोल में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। तो वैल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 22.4 से, यानी जितना वैल्यूम दिया होगा उसको हम 22.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मोल को वैल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 से। तो ये मोल जो है हमारा वैल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को। नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मोल में डिवाइड करना है तो उसको एवोगाड्रो नंबर, यानी कि NA एवोगाड्रो नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10³। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में बदलना है तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.02 × 10³ से। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आइए हम कुछ एग्जांपल से इसको हम देखते हैं, मास, मोल, वैल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मास को मोल या मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है हाउ मेनी मोल, यानी कि 28 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि 48 किसी डिवाइड करना है डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिकुलर वेट होता है 32, यानी कि 32 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 32, 16 × 48, यानी कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 मोल। ठीक है, तो 28 ग्राम ऑक्सीजन में 1.4 मोल ऑक्सीजन होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच मास ऑफ नियॉन प्रेजेंट इन 15 मोल। तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 × नियॉन का मॉलिकुलर वेट होता है 20, तो यानी कितना हो जाएगा 300 ग्राम। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे कि वैल्यूम को मोल में या फिर मोल को हम वैल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है पहला नंबर हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 122 लीटर वैल्यूम एट एसटीपी। ये ध्यान दिए कि वैल्यूम एसटीपी पे है कि नहीं, अगर एसटीपी पे नहीं है तो ये डायरेक्टली मोल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि 122 / 22.4, तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 5 मोल, यानी कि 122 लीटर में 5 मोल प्रेजेंट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी वैल्यूम आर प्रेजेंट इन 10 मोल एट एसटीपी, यानी कि 10 मोल है इसमें अब कितना वैल्यूम होगा एसटीपी पे। तो जो मोल है उसको वैल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 × 22.4 जो आ जाएगा लगभग 224 लीटर, यानी 10 मोल में 224 लीटर वैल्यूम प्रेजेंट है। अब हम तीसरा देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल और मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी मोल आर प्रेजेंट इन 24×10³ पार्टिकल। तो पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि 24×10³ डिवाइड बाई 6×10³, यानी कि 23 से 23 कट जाएगा और 6×6=24, यानी कि कितना आ जाएगा 4 मोल, यानी इतने पार्टिकल में 4 मोल प्रेजेंट हैं। दूसरा हो जाएगा हाउ मैनी पार्टिकल आर प्रेजेंट इन 10 मोल, यानी कि मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10×6×10³, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 60×10³ पार्टिकल, यानी 10 मोल में 60×10³ पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हम चौथा देखेंगे कि मास को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना मास को डायरेक्ट वॉल्यूम में ना कन्वर्ट करना, पहले बीच में मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच वॉल्यूम आर इन 356.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका क्या पूछ रहा है अब हम चौथा देखेंगे कि मास को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ध्यान रहे कि मास को डायरेक्ट वॉल्यूम में नहीं कन्वर्ट करना है, बीच में पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन 356.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 356.4 ग्राम में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे हो जाएगा 356.4 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का कितना हो जाता है 28, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 11.2 इसके आसपास आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा मोल। अब हम मोल को जब डिवाइड करेंगे 22.4 से तो हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 ये लगभग आ जाएगा 1/2.5 लीटर, यानी 256.4 ग्राम नाइट्रोजन में 0.5 लीटर उसका वॉल्यूम है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हैव हाउ मच मास, यानी कि जो वॉल्यूम है इसको मास में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले वॉल्यूम किस में कन्वर्ट कर लेंगे मोल में, तो क्या करना है 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, 2×22.4 बराबर कितना हो जाएगा 8, 2×4 और ये 2×4 ठीक है। अब ये कितने में आ गया मोल में, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है मास में, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 28 जो हमारा जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा किस में मास में। ओके अब हमारा पांचवा है कि मास को हम पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने से पहले हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना है, या फिर पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करने से पहले इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्टिकल आर प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो पहले इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, 56 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट होता है 28, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। अब क्या करना है मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 2×6×10³, तो क्या हो जाएगा ये 12×10³ पार्टिकल, यानी कि 56 ग्राम नाइट्रोजन में 12×10³ पार्टिकल प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 24×10³ पार्टिकल हैव हाउ मच मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले पार्टिकलों में हम मोल में, पहले पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो पार्टिकल कितना है 24×10³ डिवाइडेड बाई 6×10³, 23 कट जाएगा 6×6=24, यानी 4 क्या आ गया हमारा मोल आ गया, ये हमारा 4 क्या हो जाएगा मोल आ जाएगा। अब मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे मॉलिकुलर वेट से, तो 4×28 बराबर कितना हो जाएगा 8×32 और
चार दूनी आठ और तीन 11, ये ग्राम। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक 112 ग्राम हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का। ओके, आई होप आपको मास टू मोल, मोल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू मोल में कन्वर्जन इजीली समझ में आया होगा। ऐसे ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। वंदे मातरम।